हम सुबह घर से निकले, हमारा ऑरा वाइट था, मतलब हम पीसफुल थे, हैप्पी थे। अब रास्ते पे, रोड पे लोग ही हमारे अनुसार ट्रैफिक नहीं चलाते, गाड़ी नहीं चलाते अपने। अब अगर लोग मेरे अनुसार गाड़ी नहीं चलाएंगे तो मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन तो उस टाइम मेरा ऑरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसी इमोशन क्रिएट की जो डिप्लीटिंग है, बच्चों को थोड़ा सा क्वाइट कराएंगे। तो सामने वाला सड़क पे ठीक नहीं चला रहा था, लेकिन उसको देखकर मैंने अपने मन को डिस्टर्ब होना अलाउ किया, तो मैंने अपने ऑरा को क्या किया, और कई बार तो सिर्फ मन डिस्टर्ब नहीं होता, शब्दों में भी बोल देते हैं कुछ कुछ चीजें, और कई बार तो खिड़की खोल के उनको भी सुना देते हैं। जब हम ये कर रहे हैं तो हम दुनिया की सेवा करने के बजाय समाज को और दूषित कर रहे हैं। रोटरी स्टैंड्स फॉर सेवा, एंड सेवा मीन्स गिविंग, गिविंग नॉट ओनली इन व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, लेकिन गिविंग इन माय एवरी थॉट, वर्ड एंड बिहेवियर। सेवा सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, लेकिन सेवा सारा दिन अपने हर सोच, शब्द और कर्म से। सेवा कंडीशनल नहीं हो सकती, सेवा मतलब देना, देना और देना। क्या देना? कोई अगर सड़क पर गलत गाड़ी चला रहा है उसको क्या देंगे, क्या बोला? ओहो, ये वर्ड तो मैं बोल भी नहीं सकती, सॉरी। अब जब हम वो देंगे, उस समय वी हैव टू रिमेम्बर, आई हैव टू टेल माई सेल्फ, आई एम डूइंग ऑपोजिट ऑफ सेवा। सेवा करके हम इस विश्व को क्या बनाना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बेटर की क्या डेफिनेशन है? हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बेटर नहीं। किसी को 105 बुखार है, उसको आप 104 पे लाके बेटर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको आपको 105 से कहां लेकर आना है, हेल्दी पर लेकर आना है। सो लेट्स नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ सोसाइटी बेटर, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेकिंग इट परफेक्ट, ब्यूटिफुल, फुल ऑफ लव, हार्मनी एंड पीस। वो सेवा हमें करनी है। वो व्यक्ति जो सड़क पर गलत गाड़ी चला रहा है, वो इस टाइम मन से कमजोर है, उसके अंदर धैर्यता नहीं है सही तरीके से चलाने के लिए, उसके अंदर धैर्यता नहीं है रोड पर अपनी साइड पर रहने के लिए, उसके अंदर धैर्यता नहीं है बिना चार बार हॉर्न बजाए गाड़ी चलाने के लिए। आत्मा कमजोर है, क्या आप उसकी सेवा करने के लिए रेडी है? क्या हम उसकी सेवा करने के लिए रेडी है? यस। और उसकी सेवा करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ उसकी अधैर्यता को अपनी ना बना लेना, लेकिन अपनी शांति को उसको रेडिएट कर देना, इमीडिएटली उसकी गाड़ी चलाने का तरीका ठीक हो जाएगा। वी अब्सॉर्ब नेगेटिव वाइब्रेशंस वेरी इजीली। हमने कहा गुस्से के बिना काम नहीं चलता, प्यार से तो लोग मानेंगे ही नहीं। अगर हमसे किसी ने काम करवाना हो, नॉट हमने किसी से करवाना है, लेकिन हमसे अगर किसी ने काम करवाना हो, तो आपको कौन सा तरीका पसंद है कि कोई आपसे कैसे काम करवाए? प्यार से करवाए, लेकिन शायद पहली बार में आप वो नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरी बार आपसे कैसे करवाएंगे? कोई अगर उस बात को थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर बोलता है, तो हम बाहर आके कहते हैं यही बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यही बात ये प्यार से भी तो बोल सकते थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको जो बोला वो तो ठीक,
लेकिन जो बोल रहे थे तो सबसे पहले वो एनर्जी किसको मिली? बोलने वाले को। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, जब हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में नाराज होकर बोलते हैं, तो सामने वाले पर उसका असर हो या ना हो वो तो उसकी चॉइस है। क्योंकि अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, जो कि हमारे आसपास के कई लोगों का हो गया है, आप उन पर जोर जोर से गुस्सा करें, वो एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, कहते चल 5 मिनट अभी यही चलेगा, शांति से सुनो इनका। पीपल आर क्वाइट इम्यून टू व्हाट वी आर डूइंग, स्पेशली वो लोग जो हमारे साथ रोज रहते हैं या काम करते हैं, उनको हमारे संस्कार पता चल चुके हैं, वो अपने को हमारी नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारी नेगेटिविटी से अपने आप को नहीं बचा सकता।